सबसे आइकॉनिक है रियान पराग का स्टाइल मारूं रात भर बैटिंग करूं झाड़ भर तो खतरे बर्गर यार उसके एक तो बाल जो पिंक हुए हैं वो सैलून से नहीं हुए हैं भाई होली पे कलर लगा के हुए हैं एंड लविंग। लड़ाई है कितनी हो रही है ये बताओ मैच। कल किसका सर खुल रहा है हर्षित राणा वर्सेस विराट कोहली हेलो 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 एवरीवन वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईपीएल मॉर्निंग्स विद शुभमंतन टू स्लगर्स अगर कल तक हमें देखे गांड फटी थी आकाश चोपड़ा की तो आज तो भाई कमेंटेटर्स का हो गया कि हमें तो चलो पैसे मिल रहे हैं ये दोनों चूतिया एक सौ बारह कमेंट्स और कुछ यूट्यूब डॉलर के लिए रोज रात भर जाग के वीडियो बना रहे हैं तो यस इट इज ट्रू वी विल बी कमिंग एवरी डे तरन व्हाट्सअप भाई वैसे मुझे कहा जाता है कि मैं शुभम को बहुत टोकता हूँ शुभम को बोलने नहीं देता हूँ लेकिन आज कैसे बोलने दू राजस्थान रॉयल्स ने जो दिल्ली को हराया है वैसे मैं दिल्ली का लौंडा बन चुका हूँ वैसे मैं हूँ पंजाब से दिल्ली का लौंडा बन चुका हूँ लेकिन राजस्थान में जो दिल्ली को हराया है शुभम आज तो तू तो चुप ही रही हो भाई मैं तो कह रहा था कि बड़ी बात है कि मेरी आवाज तेरे तक आ रही है क्योंकि हम वहाँ पड़े हुए हैं बेचारे बॉटम ऑफ द टेबल नंबर टेन पे

ले रहा है उसको बुखार था ही वॉज नॉट फीलिंग वेल लेकिन रियान पराग ने जो फोर्टी इनिंग्स खेली आज 84 और 45 अगेंस्ट भी उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी रियान पराग ने ना पूरी इनिंग्स को संभाल के रखा भाई तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रियान पराग का बिग सीजन होने वाला है और वो आ गया भाई बाकी मैं इसको जिंक्स और नहीं करूंगा मजे आ गए दवाइयां गोलियां खा के उसने इतने रन बनाए वाह रुकना तू बंदे उड़ना तू बंदे कम की बात हम कर रहे थे हनी सिंह का कम होगा पृथ्वी शॉ का कम बैक तो exactly. भी जगह नहीं मिली टीम में और जगह मिली वो थे आर अश्विन ऊपर आने का उन्हें मौका मिला और उन्होंने भाई जो भी बंदे हैं जो थोड़ा सा भी खतरा है कोई खतरा है व्हाइट बॉल में उनकी जगह के लिए कोई खतरा है रेड बॉल में अगर एक स्पिनर खेलेगा तो हमें अश्विन से खतरा है कि उनका यूट्यूब चैनल अगर उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में करना शुरू कर दिया तो हमारा क्या होगा वी आर डन लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर हम हारे तो आर अश्विन से हारे क्योंकि रिमेंबर बॉयज़ जो अभी हमें शुरुआत से देख रहे हैं हमारा एक के ही मकसद है कि अगर कोई यूट्यूब पे क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स चल रहे हैं इंडिया में तो वो इंडियन होने चाहिए दो गोरे नहीं हम डेढ़ सौ साल उनके गुलाम रह गए अब हमें उनकी गुलामी और नहीं करनी अश्विन ने आई थिंक बहुत दो छक्के मारे अश्विन ने तीन छक्के मारे आई थिंक तीन मारे तीन छक्के मारे और कुलदीप यादव को मारे कुलदीप यादव डर रहा है वहां पे कुलदीप यादव कह ले, ले भाई ये खाएगा मेरी वर्ल्ड कप की जगह और उसके बाद अक्षर पटेल साइड में फील्डिंग कर रहे रहे कह ले भाई ये खाएगा मेरी वर्ल्ड कप की जगह सिर्फ ये दोनों नहीं थे टॉप परफॉर्मर्स राजस्थान रॉयल्स के इसके अलावा हमसे जो इन्होंने एल से ट्रेड किया आवेश खान भाई मैं तो कहूंगा आर ट्रेजर इज नाउ देयर ट्रेजर ट्रैश तो आवेश कभी थे ही नहीं ही वॉज ऑलवेज अ ट्रेजर ये मैंने हमेशा महसूस किया था उनके साथ कॉन्टेंट बनाते वक्त जेम ऑफ अ पर्सन और अब वो परफॉर्मेंस में भी निकल के आ रहा है जो वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिल रहा है भाई मतलब मैं आज हर्षा भोगले के एनालिसिस सुन रहा था राजस्थान का कितना सही है दो बहुत ही तगड़े उनके पास ओपनिंग बॉलर्स हैं बोल्ट और नांद्रे बर्गर उसके बाद दो बहुत ही तगड़े मिडिल ओवर के स्पिनर्स हैं चहल और अश्विन और दो स्पेशलाइज्ड अब बॉलर हैं जो सिर्फ एंड में ओवर्स डाल रहे हैं आवेश खान

ग्राउंड में नहीं मिलता इतना अच्छे दिखता नहीं है मैं ये तो कहूँ ये ये तो तेरा प्रिविलेज बोल रहा है लड़के यहाँ तरस के मर जाते हैं कि भैया दो टिकट दे दो एक टिकट दे दो तू बेस्ट सीट से बैठ के मैच देखता है और आके कह रहा है कि मजा टीवी पे आता है बट यस टॉकिंग ऑफ डीसी इनिंग्स उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट हम चाहते थे कोई बैटर बने कोई रन बने बट देर नेवर लुक लाइक चेजिंग दैट टोटल नीचे से थोड़ा कम हुआ बट हाईलाइट बन के रह गए ऋषभ पंत वो भी उनका गुस्सा दोनों मैच के बाद देखा गया कि रन जब उनसे नहीं लगते हैं तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अब थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन ओवर लग रही है ठीक है दूसरा ही मैच है बन जाएंगे मतलब मैं ऋषभ पंत का फैन हूँ है ना लेकिन उन्होंने ही मतलब गाड़ी डिवाइडर पे मारी थी डिवाइडर खुद चल के गाड़ी के पास तो नहीं आया था फोर फाइव डॉक्यूमेंट्रीज हो गई हैं इतनी सारी एड्स हो गई हैं इंस्टाग्राम पर रील्स इतनी सारी हो गई हैं ऑफिस कम बैक एंड इंजरी आई थिंक इनअ ऑफ सिम्पति फॉर ऋषभ पंत नाउ अब उनको बस स्कोर करना चाहिए ग्रेट प्लेयर ऑफकोर्स ही कम बैक बट अब ज्यादा लेने सिंपती जरूर एंड उनके साथ जितनी बड़ी चीज़ हुई है ना नो बडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि इस सीज़न वो कुछ कर देंगे बहुत बड़ा इट्स ओके okay. वो खेल गए यही बहुत बड़ी बात है भाई लोगों के साथ इससे आधा एक्सीडेंट होता है लोग सीधे चल नहीं पाते हैं वो वापस खेलने आ गए तो इट इत... इट्स ओके ठीक है भाई मैं तो इनकी फिटनेस जर्नी से इतना हूँ कितना तगड़ा वेट लॉस उन्होंने करके दिखाया थिंक वो 2017 हजार में नहीं थे इतने फिट तो जितने अबो बाकी मैच यही है कि दिल्ली ने कहा हम टॉस तो जीतेंगे पहले बॉलिंग करेंगे और हम चेस करेंगे आर जो भी टारगेट एंड दिल्ली इज ऑलवेज नोन फॉर चेजिंग गर्ल्स बट दिल्ली टारगेट ये चेस करनी भाई राजस्थान ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया यार नांद्रे बर्गर यार उसके एक तो बाल जो पिंक हुए हैं वो सैलो से नहीं हुआ है भाई होली पे कलर लगा के हुआ है एंड इज लविंग इट और शुभम बिहाइंड द सीन्स बताता हूँ नांद्रे बर्गर इज वन ऑफ अ जेम तो जो भी रन लगे बोर्ड पे राजस्थान रॉयल्स के कर्टसी रेन पराग्स हीरोइक्स पूरी इनिंग्स उन्होंने संभाले रखा 80 प्लस स्कोर किया बड़ा स्कोर लग गया था डीसी कभी भी लगा नहीं कि उसे चेस कर पाएगा विकेट्स गिरते रहे रे, रेगुलर इंटरवल पे और मुझे समझ नहीं आता है अक्षर पटेल को इतना नीचे वो क्यों भेजते हैं अक्षर पटेल नीड्स टू बैट एट लीस्ट एट नंबर फाइव और अब हम आ गए इस वीडियो के अपने फेवरेट पार्ट की तरफ विच इज के, के ने हैश दिया है एल प्रीमियरो एल क्लासिको जैसा कुछ बनाने की कोशिश की किया आरसीबी वर्सेस केकेआर आई थिंक ये होने वाला है बॉक्स ऑफिस मैच और मैं तो शुरुआत में बोल रहा हूँ जो प्रथा है होम गेम्स जीतने की वो कल टूटने जा रही है आरसीबी इज गोइंग टू लूज एट इट्स होम केकेआर इज विनिंग व्हाट यू हैव टू से तुरंत भाई आरसीबी इज अ गुड साइड बट के आर इज अ बेटर साइड आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विद थिंकआर और कल के मैच की बात वही है भाई कि रन कितने बनेंगे हमें नहीं मतलब कितने लेगा कौन लेगा हमें नहीं मतलब लड़ाइया कितनी हो रही है ये बताओ कल किसका सर खुल रहा है कल क्या होने वाला हर्षित राणा वर्सेज विराट कोहली ओ अगर हर्षित राणा पक्का खुल रहा है हर्षित राणा अगर विराट कोहली को ऐसे कर दे विराट कोहली बैंको ऐसे करके हर्षित राणा को <laughs> कुछ भी हो सकता कल तो कल, है, भाई का आया फोन। कल तो मतलब सिर्फ डीजी मोटल्स के गाने बज रहे हैं और कुछ नहीं भाई भाई वैसे तो दिल्ली का मैच कल था लेकिन असली दिल्ली के लॉन्डो का मैच आ जाए वेस्ट दिल्ली समाज से आ रहे विराट कोहली ईस्ट दिल्ली समाज से आ रहे गौतम गंभीर साउथ दिल्ली समाज से अपने आ रहे नीतीश राणा और बाकी एनसीआर समाज से आ रहे अपने हर्षित बाकी हमारी प्रिडिक्शन कल वाली ठीक हो गई है राजस्थान के अगेंस्ट जाने की हिम्मत ना शुभम ने करी ना मैंने करी राजस्थान कल का मैच जीत गई टुडे वी बोथ आर गोइंग विद के बाकी मिलते हैं कल सुबह के शो के साथ आई होप मैंने शुभम आज तेरे को थोड़ा सा बोलने दिया है थोड़ा सा सा ही ही थोड़ा इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब बिना सब्सक्राइब किए मत जाना होपफुली दिस वीडियो विल क्रॉस फिफ्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स और बस रोड टू हंड्रेड के बिफोर फिफ्टीन ऑफ अप्रैल ये मैंने कसम खाई है इसे पूरी करा देना प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग